महोत्सव के अवसर पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में नागपुर नगर निगम और मैट्रिक्स वरियर संगठन के संयुक्त प्रयासों से 11 से 15 अगस्त तक शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैश मॉब और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। ये पहल युवा एवं नगर आयुक्त एवं प्रशासक की भागीदारी से पूरे शहर में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का माहौल बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी के हाथों इसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कल नागपुर नगर निगम के छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक भवन के सामने और शाम को स्वामी विवेकानंद मेमोरियल अंबाजरी में संगठन के युवाओं ने फ्लैश मॉब और नुक्कड़ नाटक किया। इस अवसर पर उपर आयुक्त दीपक कुमार मीना, राम जोशी, मुख्य अभियंता श्री प्रदीप खवले, अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार, उपायुक्त श्री रविन्द्र भेलावे, श्री विजय हुमाने, शिक्षा अधिकारी प्रतीप मिश्री कोटकर, उदयन अधीक्षक अमोल सोरपगार, खेल अधिकारी पीयूष अंबुलकर, नगर आयुक्त एवं प्रशासक श्री राधाकृष्ण भी। उन्होंने मैट्रिक्स वॉरियर संगठन के अध्यक्ष आदित्य खोबरागड़े को तिरंगा सौंपकर पहल का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के संयोजन में नागपुर के युवा संगठन मैट्रिक्स वॉरियर संस्थान ने स्वतंत्रता के बारे में विभिन्न जानकारी और जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नागपुर नगर निगम में एक फ्लैश मॉब कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आज भी 12 अगस्त को सुबह केशव नगर हाई स्कूल नंदनवन व शाम को तिरंगा चौक में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदित्य खोबरागड़े, सचिव अभिषेक उरकुड़े, कोषाध्यक्ष आकाश निखाड़े, संयुक्त सचिव नंदिनी मेजोंगे, शैलेश भालमे, आदर्श दुधनकर और 40 युवाओं ने भाग लिया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लागू करने के लिए 11 से 15 अगस्त तक नागपुर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैश मॉब अवेयरनेस सीरीज का आयोजन किया जाएगा। 13 अगस्त को सुबह 11 बजे संविधान चौक, शाम 5 बजे फुटाला तालाब, 14 अगस्त को सुबह 9 बजे लक्ष्मी नगर चौक और रात 8 बजे चिटनेस पार्क, 15 अगस्त को शाम 4 बजे कस्तूरचंद पार्क में फ्लैश मॉब कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें टीचर